Mano da escola mais uma vez. Meu Deus, menina, faz isso esquisito, é bosta de passarinho, meu. दोस्तों 750 करोड़ से ज्यादा की इस आबादी में अपना अलग नाम बनाना कोई आसान बात नहीं है, जिसके लिए लोग अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धुरंधर मौजूद हैं जिन्हें दुनिया की इस भीड़ में अपना नाम बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान पहले से ही इनकी किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख कर भेजते हैं। तभी तो इनके पास कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि वीडियो में दिखाए जाने वाले लोग वाकई में जबरदस्त हैं। सुल्तान कोज़ेन। दोस्तों हमारे इस लिस्ट की शुरुआत हम दुनिया के सबसे लंबे इंसान से करते हैं, क्योंकि जिस शख्स को अभी आप देख रहे हैं इनका नाम सुल्तान कोज़ेन है और ये 2.51 मीटर यानी कि करीब 8 फुट 3 इंच की हाइट के साथ इस वक्त दुनिया के सबसे लंबे इंसान है। टर्की में पैदा हुए सुल्तान बाकी बच्चों की तरह ही थे, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद इनके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण इनकी हाइट अचानक से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आज ये दुनिया के सबसे लंबे जिंदा इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। लिजी वेलास्क्यूज। दोस्तों अब आप अमेरिका में रहने वाले लिजी से मिलिए, जो बचपन से ही प्रोग्रियोड नाम की एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम उम्र में ही इनका शरीर अधिक उम्र के बूढ़े लोगों जैसा हो गया। मात्र 10 साल की उम्र में इनकी स्किन किसी 50 साल की बुढ़िया जैसी दिखती है, जिस वजह से लोगों ने इन्हें काफी बुली भी किया। शुरुआत में तो इन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया तो ये अलग रूप से ही निखर कर आई, और आज ये न सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है बल्कि बुक भी लिख चुकी है, और इसीलिए आज ये कई सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। वेलेरिया लुक्यूनोवा। दोस्तों डॉल जैसा कौन नहीं दिखना चाहता, हर लड़की का यही सपना होता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल गुड़िया जैसी प्यारी दिखे। लेकिन अब भला सबकी किस्मत यूक्रेन में रहने वाली वेलेरिया जैसी थोड़ी ना होती है, जिन्हें देखकर इंसान धोखा खा जाए कि ये लड़की है या फिर मोम की गुड़िया। आप खुद ही देखिए, ये एग्जैक्टली बार्बी डॉल जैसी लगती है, और इसी वजह से लोग इन्हें ह्यूमन बार्बी के तौर पर भी जानते हैं, जहां इनके चेहरे की एक एक बनावट इतनी परफेक्ट है को कोई भी इनका दीवाना हो जाए। किम गुडमैन। अब हम आपको जिन मोहतरमा से मिलवाने वाले हैं उनका असली रूप अगर किसी ने देख लिया तो डर के मारे उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि अपनी आंखों को इतना ज्यादा बाहर निकाल लेती हैं कि इन्हें देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। और इनकी इसी यूनिक स्किल की वजह से न सिर्फ इन्होंने अपने नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, बल्कि कई सारे टीवी शो में भी अपनी आंखों को बाहर निकालने वाली कलाकारी दिखा चुकी है। मैंडी सेलर्स। दोस्तों अब आप एक बहुत ही अजीब सी बीमारी से जूझ रही इस महिला से मिलिए। इंग्लैंड में रहने वाली मैंडी के पैर बचपन से ही नॉर्मल साइज से बहुत ही ज्यादा बड़े थे, और वक्त के साथ इनके पैर इतने ज्यादा बड़े हो गए कि ये ढंग से चल भी नहीं पाती हैं। अगर हम इनके पैरों के साइज की बात करें तो इनके पैर 210 पाउंड के हैं, जो कि इनकी पूरी बॉडी के साइज का 3 गुना है। अब आप खुद ही सोचिए, 100 किलो के वजन वाले पैरों को लेकर कोई इंसान भला कैसे जी सकता है। लेकिन इन्होंने न सिर्फ जीने की उम्मीद रखी, बल्कि आज भी इनके अंदर जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा मौजूद है। गैरी टर्नर। दोस्तों अगर आप और हम अपनी स्किन को खींचेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंच तक ही आगे बढ़ेगी, लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले गैरी टर्नर रबड़ मैन की एक्चुअल डेफिनेशन है, जहां एलर्स डनलोज नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनकी स्किन इतनी ज्यादा लचीली है कि अपने गर्दन की स्किन से अपने मुंह को बंद करके उसका मास्क तक बना सकते हैं। और यकीन नहीं आता तो आप साफ साफ देख लीजिए कैसे अपनी स्किन को खींच कर तरह तरह के करतब कर रहे हैं। शुरुआत में इन्हें काफी अजीब लगता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ ये तो अपनी इस स्किन की मदद से लोगों को हैरान कर सकते हैं, इसलिए अब इन्होंने दुनिया भर में अपनी इस लचीली स्किन से लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। ज्योति आमगे। जब दुनिया के हैरतअंगेज लोगों की बात हो रही है तो हमारे भारत की ज्योति को भला कैसे भूल सकते हैं हम, जो पूरी दुनिया में सबसे कम हाइट की महिला है। अपनी इसी कम हाइट की वजह से इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है कि अभी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। 2.06 फीट की हाइट वाली ज्योति ने अपने इस हाइट की बदौलत न सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। अरुण रेकवर। अब आप हमारे देश में रहने वाले एक और धुरंधर से मिलिए, जिन्हें लोग प्यार से मैग्नेट मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक है कि ये बिना किसी चीज की मदद से बड़ी आसानी से अपने स्किन पर भारी से भारी लोहा चिपका लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने अपने चेस्ट पर लोहे की कील से लेकर कपड़े प्रेस करने वाले इस्त्री तक चिपका रखी है।
यहाँ तक कि अपनी पूरी बॉडी में दर्जनों चुंबक एक साथ चिपका सकते हैं, जिसका नमूना आप साफ साफ देख रहे हैं। एशलेग मॉरिस। दोस्तों, आप लोगों ने अलग अलग तरह के एलर्जी के बारे में सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एशले को तो हम इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत यानी कि पानी से ही एलर्जी है। जैसे ही ये मानव पानी के संपर्क में जाती थी, इनकी स्किन जलना शुरू हो जाती थी। यहाँ तक इनका खुद का पसीना भी इन्हें सूट नहीं करता और इन्हें एलर्जी होना शुरू हो जाती थी। अब आप खुद ही सोचिए, इस तरह की एलर्जी वाले इंसान का नहाना कितना मुश्किल होगा। रेड लैम्प। दोस्तों, जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपना अधिकतर समय सोते हुए निकालते हैं, लेकिन रेड लैम नाम के लड़के के नसीब में तो जैसे नींद है ही नहीं। वो जन्म के बाद से ही कभी सोया नहीं। जहां हम इंसानों की अगर एक टाइम की नींद पूरी ना हो तो अगला दिन हमारा कितना बुरा होता है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन इस बच्चे ने तो कई सालों से नींद पूरी नहीं की थी। वो तो बाद में जब डॉक्टर्स द्वारा इसकी सर्जरी की गई तो इसे थोड़ी बहुत नींद आनी शुरू हुई, वरना तो ये पहले बिल्कुल नहीं सोता था। वैसे दोस्तों, जब सोने की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कितने घंटे की नींद हमारे लिए जरूरी है, 8 घंटे या फिर 6 घंटे? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। टॉम स्टैनफोर्ड। दोस्तों, ब्रिटिश साइक्लिस्ट टॉम ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तब आकर्षित किया जब लोगों को इनकी रेयर कंडीशन के बारे में पता चला। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं है और ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं। ये सब कुछ MDP सिंड्रोम नामक बीमारी की वजह से हुआ। इन सब परेशानियों के बावजूद इन्होंने अपने साइकिल चलाने के जुनून को नहीं छोड़ा और आज ये एक फेमस पैरा ओलंपिक के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। जीसस फजार्डो। मेक्सिको में रहने वाले इस शख्स ने पूरी दुनिया को अपने शरीर में निकले एक्स्ट्रा बालों से हैरान करके रख दिया। जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं, कैसे इनके सिर पर तो बाल है ही, उसके साथ साथ इनके पूरे चेहरे पर बाल उगे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी बंदर से कम नहीं लगते। यही कारण है कि स्कूल में बच्चे इन्हें ज्यादा बुली करते हैं, तो इन्होंने तंग आकर स्कूल ही छोड़ दिया और अलग अलग तरह के सर्कस में काम करने लगे। पर कुछ समय तक इस तरह जिंदगी जीने के बाद इन्हें समझ में आ गया कि अगर ये लोगों की बातें सुनकर रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने आप को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि अपनी इस अनयूजुअल कंडीशन के साथ खुश रहना भी सीख लिया। चैन त्यान जी। दोस्तों, आप जिस महिला से मिलने वाले हैं वो एक बहुत ही अजीब कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसमें इनके पैर आगे होने की बजाय पीछे की तरफ निकले थे, जिस वजह से चल नहीं पाती थी और इन्हें देखकर कई सारे लोग डर जाते थे। पर ये सारी चीजें इन्हें पढ़ाई करने से रोक नहीं पाई। अब पैसे न होने की वजह से अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 साल तो इन्होंने उल्टे पैरों के साथ ही गुजारे। पर जब इनकी कंडीशन लोगों की नजर में आई तो कई सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इनके इलाज का खर्चा उठाया और तब जाकर इनके पैर सीधे हो सके। लेकिन अपने सीधे पैरों को पाने के लिए इस लड़की को कई दर्दनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर, रोटी, कपड़ा और मकान है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन चीजों को तरसते हैं। अब्दुल बजंदार। अब आप बांग्लादेश में रहने वाले अब्दुल से मिलिए, जिन्हें दुनिया ट्री मैन के नाम से जानती है। और ऐसा क्यों है वो तो आप साफ साफ देख सकते हैं। जैन की बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पेड़ की जड़ों की तरह तने निकले हुए हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। और इस रेयर डिजीज को एपिडर्मोडी स्प्लेसिया वेरुफिकोमिस के नाम से जाना जाता है, जो आज तक केवल 4 लोगों को हुई है। हालांकि अब्दुल्ला खुशकिस्मत थे, जहां कई सारे ऑपरेशन के बाद इनके हाथों से इन लकड़ी जैसे तनों को निकाल दिया गया, लेकिन इनके हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए और ना ही कभी हो पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी अपना असर छोड़ ही देती है और इसके साथ जीना कितना मुश्किल है वो आप अब्दुल की कंडीशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अबे एंड ब्रिटेनी हैंसल। आप लोगों ने दुनिया में कई सारी जुड़वां बहनों को देखा होगा, लेकिन अब आप इन 2 बहनों को देखिए जो शरीर से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप साफ देख सकते हैं कैसे एक जिस्म में 2 जान रह रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इनके केवल सिर ही 2 नहीं है बल्कि इनके शरीर में 2 स्पाइनल कॉर्ड, 2 लंग्स और यहाँ तक कि 2 दिल भी मौजूद हैं। और यही चीजें इन दोनों बहनों को 2 अलग अलग इंसान बनाती है। हाँ, वो बात अलग है कि इनके एक एक हाथ और एक एक पैर और आपस में जुड़े हुए हैं, पर ये सारी चीजें इन दोनों बहनों को जिंदगी जीने से रोक नहीं सकी। और ये दोनों ही आज एक टीचर के तौर पर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती हैं बल्कि इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।